डाइटिशियन की बात अगर की है तो ऐसे हमने सुनने मिला था कि जो बच्चों की जो डाइट होती थी आप सेट पे इसका ख्याल रखते थे और आप मोस्टली वही हेल्दी फूड देते थे, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये है मेरे बच्चे सेट पे. यार ये लाइफ फेल करके रखी है सेट पे, छुप के खाना पड़ता है, पीछे पर्दे के पीछे जाके वहाँ जाकर सब देखती हैं वो. कभी मुझे इनवाइट नहीं करते लंच टाइम पे. आप लंच करने नहीं लेती हैं, इनवाइट कहाँ से करेंगे? बाय द वे अनुराग बर्फी आ रही है आपकी नहीं कब आ रही है? दूसरी वाली खाने वाली मंगाई मैंने. डाइट वाली खजूर से बना हुआ है बिना शक्कर. नहीं वाकई वो क्या होता है बच्चों को देने का चॉकलेट रखा होता है साइड में, हम देते हैं शो में ऐसा. देते नहीं है खुद खा रहे. तो एक या दो ही खाता हूं यार ये, मतलब पूरा चार मजा चार इन्होंने दो इन्होंने मतलब बच्चों को कुछ टेक्निक नहीं मिलता नहीं. बच्चों को कुछ मिलता नहीं. हां हां आई एम मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, मैं तो पीछे रहता हूं, मुझे कोई बुला. सोनी सोनी बहुत खर्चा कर रही है इनके चॉकलेट्स पे. अच्छा मैं इनसे पूछा मुझे क्यों लिया है शो में कभी, तो उन्होंने बताया सर बैलेंस करने के लिए. सो तो वो जज पैनल बैलेंस रहेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं मुझे क्यों लिया इन्होंने. गणेश आचार्य के पास बैठे तो पल्ला भारी हो गया. फिर डायरेक्टर मिले, डायरेक्टर तो राजकुमार संतोषी, फिर बाद में वो आदमी इम्तियाज जैसे लोग हैं, बीच में कोई है नहीं, बीच में मैं आता हूँ तो करेक्ट बैलेंस हो गया सब.